हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट टू हम पढ़ रहे थे हीट एंड मास ट्रांसफर का, डेट इज़ एक्सटेंडेड सरफेस, डेट इज़ फिन। तो पार्ट थ्री में हम पढ़ेंगे हीट डेसिपेशन फ्रॉम एन इनफाइनाइट लॉन्ग फिन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पार्ट टू है, पार्ट टू का ये आगे का है, तो पार्ट थ्री है ये। तो एक्चुअली जो पार्ट टू में हमने पढ़ा है उसका ही ये तीन पार्ट जो आगे मैं लेक्चर बनाऊंगा, पार्ट थ्री, पार्ट फोर और पार्ट फाइव, वो पार्ट टू का ही शेष भाग है। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। इससे पहले हमने हीट डेसिप क्या देखा था, हीट फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर फिन। ठीक है, अगर आपने रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगुलर फिन हमने इससे पहले कंसीडर किया था, और उसमें हम देखे थे कि अगर उसका सरफेस का टेम्परेचर टी नॉट है और एम्बियंट टेम्परेचर टी ए था, एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने कंसीडर किया था, सरफेस का जो टेम्परेचर था वो टी नॉट था और एम्बियंट टेम्परेचर टी ए था, उसका लेंथ एल लेंथ का था, और जो हीट डेसिपेशन रेट था एट एलिमेंट दिस पे हमने एक फार्मूला निकाला था। ठीक है, अब जिस पे हम तीन बाउंड्री कंडीशन लगाते और उससे सी वन और सी टू की वैल्यू फाइंड करते और उस इक्वेशन में पुट करते, तो हमारा फिन्स का हीट डेसिपेशन रेट निकल आता। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आया था पार्ट टू में, हम देखे थे कि फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू सी वन ई पावर एम एक्स प्लस सी टू ई पावर माइनस एम एक्स, वेयर थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी ए विच इज इक्वल टू सी वन ई पावर एम एक्स प्लस सी टू ई पावर माइनस एम एक्स था, वेयर सी वन एंड सी टू आर द कॉन्स्टेंट एंड दिस आर टू बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, ये भी पता था। एंड द अदर बाउंड्री कंडीशन डिपेंड ऑन द फिजिकल सिचुएशन, दैट सिचुएशन आर थ्री टाइप ऑफ सिचुएशन आर कंसिडर्ड। फर्स्ट सिचुएशन आर हीट डेसिपेशन फ्रॉम एन इन्फाइनाइट लॉन्ग फिन, जब आपके फिन की लेंथ इन्फाइनाइट होगी। ठीक है, मतलब जो आपकी ये फिन की जो लेंथ है ये एक्चुअली एल टेंस टू इन्फाइनाइट होगी, उस केस में हीट डेसिपेशन रेट क्या होगा वो कैलकुलेट करना। सो द रिलेवेंट बाउंड्री कंडीशंस आर फॉर दिस, द रिलेवेंट बाउंड्री कंडीशन आर, फर्स्ट टेम्परेचर एट द बेस ऑफ फिन्स इक्वल्स द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस टू विच द फिन इज अटैच, वेयर कहाँ पे एट x इज इक्वल टू जीरो, ध्यान देना, एट x इज इक्वल टू जीरो टेम्परेचर t इज चेंज टू t नॉट। ओके, देयर फोर टी माइनस टी ए इज चेंज टू t नॉट माइनस टी ए इन टर्म्स ऑफ एक्सिस टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, क्या कहा, एट पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो टेम्परेचर कितना है, t नॉट। ओके, देयर फोर एट x इज इक्वल टू जीरो टेम्परेचर इज एक्सेस टू टी नॉट। ओके, एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। ओके, और थीटा क्या है हमारा, t माइनस टी ए, और थीटा नॉट क्या हो जाएगा, t नॉट माइनस टी ए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया बाउंड्री कंडीशन। इसी का सेकेंड बाउंड्री कंडीशन ये बन रहा था, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ एन इन्फिनाइट लॉन्ग फिन। यहाँ पे हम दो केस यूज कर रहे हैं, पहला बाउंड्री कंडीशन हम बना रहे हैं टेम्परेचर एट द बेस ऑफ फिन, और दूसरा बनाएंगे टेम्परेचर एट द एंड, जो कि इनफिनाइट लेंथ का है। ठीक है, तो टेम्परेचर एट द एंड ऑफ एन इनफिनाइट लॉन्ग फिन इक्वल एट द सराउंडिंग, विच इज मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी टेम्परेचर इज इक्वल टू टी ए, एम्बियंट टेम्परेचर के इक्वल हम ले लिए। ठीक है, यह मान लिए, देयर फोर थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये चार्ट देखें टेम्परेचर और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो देख रहे हो कि टेम्परेचर पहले टी नॉट था, सरफेस टेम्परेचर, फिर थिकनेस फिन्स पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे फिन्स की सरफेस से ये बढ़ेगी टेम्परेचर कम होते जाएगा, और एक टाइम आएगा जो टेम्परेचर फिन्स की टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन सिक्स, वी गेट इक्वेशन सिक्स, दैट इज थीटा इज इक्वल टू सी वन ई पावर एम एक्स प्लस दिस, सी वन और सी टू की वैल्यू पुट करना है। सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन फ्रॉम बाउंड्री दिस कंडीशन सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू थीटा नॉट, ये कैसे आया, पहला बाउंड्री कंडीशन क्या था, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे टी इज इक्वल टू टी नॉट और थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। जब आप यहाँ पे पुट करोगे, जब यहाँ पे पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो में तो ई पावर जीरो इज इक्वल टू वन, ई पावर माइनस जीरो इज इक्वल टू वन, तो सी वन प्लस सी टू और थीटा टेंस टू थीटा नॉट, सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू थीटा नॉट, तो ये हो गया सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू थीटा नॉट। ओके, एंड अगला है
कि अगला क्या केस था हमारा, एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे थीटा इज इक्वल टू जीरो, देयर फॉर सी वन ई पावर एम इन्फिनिटी प्लस सी टू ई पावर माइनस एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ देयर फॉर सी टू ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो. ओके, देयर फॉर सी टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा नॉट, क्योंकि हमारा सी वन क्या हो गया, जीरो हो गया, तो सी वन जीरो, तो सी टू इज इक्वल टू थीटा नॉट एंड द सी वन इज इक्वल टू जीरो. ये हमारा सी वन और सी टू की वैल्यू आई. नॉर्मली पुट कर दो इक्वेशन सिक्स में. जी क्वेश्चन सिक्स में पुट करेंगे, क्या था हमारा, थीटा इज इक्वल टू सी वन ई पावर एम एक्स प्लस सी टू ई पावर माइनस एम एक्स. ठीक है, सी टू आपका सी वन क्या था आपका जीरो, और थीटा टू किसके इक्वल था, थीटा नॉट के इक्वल, तो सी टू की जगह थीटा नॉट ई पावर माइनस एम एक्स. ठीक है, और ये थीटा सेम. ओके, वे थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी ए, ये हमें पता है, और थीटा नॉट क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी ए और ई पावर माइनस एम एक्स सेम. देयर फॉर टी माइनस टी ए अपॉन टी नॉट माइनस टी ए इज इक्वल टू ई पावर माइनस एम एक्स. तो ये फॉर्मूला एक आपको माइंड में रखना है न्यूमेरिकल के लिए. ठीक है, तो टी माइनस टी ए को हम थीटा लिख सकते हैं और टी नॉट माइनस टी ए को थीटा नॉट लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स. तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है न्यूमेरिकल के लिए. ठीक है, नाउ ये तो हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकला. अब हम निकालेंगे कि द रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस द बेस ऑफ द फिन, अक्रॉस द बेस ऑफ द फिन मीन्स जो ये फिन बना है इस बेस पे, अक्रॉस दिस बेस ऑफ द फिन इस पार्ट पे क्या होगा, किस रेट से हीट फ्लो कर रहा है फिन्स पे. ठीक है, देयरफॉर क्यू फिन इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ अब डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमें वैल्यू पुट करना है. ओके, नाउ डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू नॉट, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, इससे पहले जो आया था हमारा इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम टी नॉट माइनस टी ए ई पावर माइनस एम एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे. तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये टर्म वन हो जाएगा, तो माइनस एम टी नॉट माइनस टी ए. देयरफॉर क्यू फिन इज इक्वल टू माइनस के ए इन टू डी टी अपॉन डी एक्स की जगह पे हम लोग देंगे माइनस एम टी नॉट माइनस टी ए. ठीक है, देयरफॉर क्यू फिन इज इक्वल टू के ए एम टी नॉट माइनस टी ए. ओके, देयरफॉर क्यू फिन इज इक्वल टू के ए, एम क्या होता है हमारा, रूट पी एच अपॉन के ए होता है ना, अब जस्ट हमने पहले सेकेंड लेक्चर में देखा था, और टी नॉट माइनस टी ए सेम. तो दूसरा इक्वेशन जो हमारा बना हीट रेट ट्रांसफर का, दैट इज क्यू फिन इज इक्वल टू रूट ऑफ पी एच के ए टी नॉट माइनस टी ए. तो एक इक्वेशन आपको ये याद रखना. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ऑफ रेक्टेंगुलर फिन का. अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पे हम चलते हैं. ठीक है, तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन जो है, हमें दोनों का टाइम है हमारे पास, हम इसी में कवर करना चाहेंगे. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, हीट डेसिपेशन फ्रॉम अ फिन इंसुलेटेड एट द टिप. ठीक है, अगर हमारा जो फिन का ये देखो, एक्चुअल ये था, ठीक है, ये हमारा आ रहा है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टेम्परेचर स्टार्टिंग में टी नॉट था, फिर फिन के सर्फेस से टेम्परेचर कम होते जा रहा है, बट हम उसे क्या कर रहे हैं, इंसुलेट कर दे रहे हैं, मीन्स डी टी अपॉन डी एक्स इज एक्स टेंस टू एल, इंसुलेट कर दे रहे हैं. ठीक है, इन दिस केस द बाउंड्री कंडीशन आर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट. एट दिस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट बिकॉज टी इज इक्वल टू टी नॉट. ओके, एंड एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू एल डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हम इंसुलेटेड वो यूज कर रहे हैं, तो इंसुलेटेड जो हम यूज कर रहे हैं वो टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. ये भी लिख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी ए, तो इसको हम डी टी भी लिख सकते हैं और इसको हम डी थीटा भी लिख सकते हैं. देयरफॉर दिस, नाउ अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन टू इक्वेशन सिक्स. इक्वेशन सिक्स क्या था हमारा, सी वन, दिस इक्वेशन सिक्स जो हम इससे पहले भी देखे थे, थीटा इज इक्वल टू सी वन ई पावर एम एक्स प्लस सी टू ई पावर माइनस एम एक्स था. तो इसमें हम पुट करेंगे पहला, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो और थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट पुट करेंगे तो सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू थीटा नॉट आएगा, एक आया. ठीक है, अब हमारा
क्या था सेकंड जो था, टी माइनस टी ए इज इक्वल टू सी वन ई पावर एम एक्स प्लस सी टू ई पावर माइनस एम एक्स, ये क्वेश्चन था। देयरफॉर डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम सी वन ई पावर एम एक्स, ये माइनस था माइनस एम सी टू ई पावर माइनस एम एक्स हो जाएगा। देयरफॉर डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एल पे एम सी वन ई पावर एम एल माइनस एम सी टू ई पावर माइनस एम एल इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एम नॉट एम वन एम सी वन ई पावर एम एल माइनस एम सी टू ई पावर माइनस एम एल इज इक्वल टू जीरो। सो सॉल्विंग इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 11 फ्रॉम इक्वेशन दिस इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन 11 वी गेट सी वन एंड सी टू। कैसे, आपके पास अगर बुक होगा तो आप बुक में देख लेना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है बट आप समझ लोगे, ठीक है। देयरफॉर सी वन इज इक्वल टू थीटा नॉट ई पावर माइनस एम एल अपॉन ई पावर एम एल प्लस ई पावर माइनस एम एल, दैट इज सी वन, एंड सी टू इज द थीटा नॉट ई पावर एम एल अपॉन ई पावर एम एल प्लस ई पावर माइनस एम एल। ये थीटा वन माइनस एम एल था पावर में, थीटा सी टू हमारा ई पावर एम एल था। सी वन सी टू की वैल्यू क्वेश्चन सिक्स में आप पुट करोगे तो आपकी आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट सी वन ई पावर एम एक्स थीटा नॉट सी टू ई पावर माइनस एम एल, वैल्यू जो आया सी वन सी टू को पुट किया, इसे पुट करके थीटा थीटा नॉट कॉमन लेके हम इधर ट्रांसफर कर ले, थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू ई पावर, इसे सॉल्व करो ई पावर एम एल माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एम एल माइनस एक्स अपॉन ई पावर एम एल प्लस ई पावर माइनस एम एल हो जाएगा। देयरफॉर थीटा अपॉन थीटा नॉट, वेयर थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी ए और थीटा नॉट टी नॉट माइनस टी ए इज इक्वल टू दिस आर द कॉस एच एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस cos h not cos h, cos hyperbolic m l minus x upon cos hyperbolic hyperbolic m l, okay। ये कहाँ से आया equation, because e power m l minus x plus e power minus m l minus x upon 2 is equal to cos hyperbola cos no not cos m l minus x and e power m l plus e power minus m l upon 2 is equal to cos m l, ठीक है। यार हाइपरबोला कॉस हाइपरबोला होगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा एक एक इक्वेशन आया, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आपको टी ए एम्बिएंट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर और नॉर्मल जिस टेम्परेचर पे है रखा है उस टेम्परेचर दे देगा, उससे आपको ये निकालना होगा, तब आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। उसके बाद अगला क्या है, अगला है हीट रेट, ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम द फिन जो कि आपका इंसुलेटेड है। Therefore, Q fin is equal to minus Ka dT upon dx is x is equal to 0 पे। Therefore, TA minus TA, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है TA minus TA को एक तरफ कर दी, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। Therefore, dT upon dx at x is equal to 0, फर्स्ट ये x is equal to 0 छोड़ो, dT upon dx is equal to T naught minus TA cos hyperbolic mlx, क्या हो जाएगा sin hyperbolic चेंज हो जाएगा एम एल माइनस एक्स अपॉन cos एच एम एल और ये माइनस का m, ठीक है। नाउ एट x इज इक्वल टू जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो बुट करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस m t नॉट माइनस t ये रहेगा, एट x इज इक्वल टू जीरो बुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका tan एच एम एल, ठीक है। देयरफॉर आपकी जो रेट ऑफ हीट फ्लो आएगा फॉर फिन के लिए आएगा के ए एम टी नॉट माइनस टी ए, और एम की वैल्यू पुट कर दो आप, एम की वैल्यू आपको पता ही होगी, एम क्या है रूट पी एच अपॉन के ए, एम पी एच अपॉन के ए इज दिस। देयरफॉर हीट रेट फ्लो फॉर इंसुलेटेड के लिए क्या हो जाएगा रूट ऑफ पी एच के टी नॉट माइनस टी, ठीक है। कुछ मिसिंग है यहाँ, यस मिसिंग है हमारा यहाँ पे टेन एच एम एल, ठीक है, यहाँ भी टेन एच एम एल ये यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि जब यहाँ पे ये टेन एच एम एल है तो यहाँ पे कैसे नहीं होगा, तो टेन हाइपरबोला एम एल, ठीक है। नाउ द फाइनल इक्वेशन इज दिस, तो आपको ये इक्वेशन एक याद रखना होगा क्यू फिन के लिए। तो हमने जो इन्फिनाइट के लिए निकाला था, जब आपके फिन इन्फिनाइट लेंथ की होगी तब उस केस में हमारा जो क्यू निकला था रूट पी एच के ए टी नॉट माइनस टी ए, और जब आपका सरफेस इंसुलेटेड कर दिया आपने और एट फाइनाइट लेंथ पे तब आपका आ गया
टेन बस टेन एच टेन हाइपरबोला एम एल एक्स्ट्रा आ गया। सेम इन केस ऑफ हीट डेसिपेशन फ्रॉम अ फिन लूजिंग हीट एट टिप पे, ठीक है, एट टिप पे क्या हीट डेसिपेशन कैसा होगा फिन्स का, ठीक है। देयरफॉर बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, सेम। देयरफॉर हीट एंड द सेकंड इज द हीट कंडक्टेड टू द फिन एट एक्स इज इक्वल टू एल, एट एक्स इज इक्वल टू एल हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ द सराउंडिंग। देयरफॉर माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल पे इज इक्वल टू एच ए टी माइनस टी ए हो जाएगा, हीट कन्वेक्टेड एच ए टी माइनस टी ए, ओके, वेयर ए इज इक्वल टू पी डॉट डी एक्स, ठीक है। नाउ देयरफॉर माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू एच ए, ए कैंसिल हो गया दोनों तरफ से तो हमारा ये बचा, ठीक है। नाउ तो डी टी अपॉन डी एक्स को आप माइनस के इन टर्म्स ऑफ थीटा कैसे कैसे लिख सकते हो, माइनस के डी थीटा अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एच थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी ए इन टर्म्स ऑफ थीटा, ओके। नाउ ये हो गया, नाउ डी थीटा अपॉन डी एक्स माइनस के इज इक्वल टू एम सी वन ई पावर एम एल माइनस एम सी टू ई पावर माइनस एम एल इज इक्वल टू एच थीटा की जगह पे सी वन ई पावर माइनस एम एल माइनस सी टू ई पावर माइनस एम एल वैल्यू पुट कर दिए, बाकी कैसे आया इसका डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है तो आप करके बुक से देख सकते हो। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू, अब इसको सी वन को एक तरफ करो और सी टू को एक तरफ करो, इस इक्वेशन से सी वन और सी टू की वैल्यू निकालो, ठीक है। सी वन और सी टू की वैल्यू निकालो और उसको इक्वेशन सिक्स में पुट करो, कौन से इक्वेशन में, वेयर थीटा इज इक्वल टू सी वन ई पावर एम एक्स प्लस सी टू ई पावर माइनस एम एक्स, सी वन और सी टू की वैल्यू पुट करोगे तो उससे जो हमारा ये फॉर्मूला जो बनेगा टी माइनस टी ए अपॉन टी नॉट माइनस टी ए के लिए आएगा दिस, कॉस हाइपरबोला एम एल माइनस एक्स प्लस एच अपॉन एम के साइन हाइपरबोला एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोला एम एल प्लस एच अपॉन के एम साइन हाइपरबोला एम एल, ओके। ये हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। नाउ द रेट ऑफ हीट डिस्ट्रीब्यूशन क्यू फिन इज इक्वल टू दिस, ओके। नाउ फ्रॉम दिस क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए टी नॉट माइनस टी ए, अब क्या है ये डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स निकालना हो तो ये वाला टर्म को यहाँ रहने दो, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो उसे सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस टेन एच टेन हाइपरबोला एम एल इंटू एम, ये आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना। तो माइनस के ए और ये वाला पार्ट जो उधर चला जाएगा टी नॉट माइनस टी ए, ये तो यही है, बाकी जब इसे सॉल्व करोगे डी टी अपॉन डी और एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो माइनस टेन हाइपरबोला एम एल इंटू एम आ जाएगा। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू के ए एम टेन हाइपरबोला एम एल टी नॉट माइनस टी ए, ओके। देयरफॉर क्यू फिन एम की वैल्यू पुट करो पी एच अपॉन के ए तो आपका आ जाएगा रूट ऑफ एच पी के ए टेन हाइपरबोला एम एल इंटू दिस, ओके। और वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू साइन हाइपरबोला एम एल प्लस एच अपॉन के एम कॉस हाइपरबोला एम एल अपॉन कॉस हाइपरबोला एम एल प्लस एच अपॉन के एम साइन हाइपरबोला एम, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये था हमारा फाइनली एक फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये वाला बस काफ़ी है। फिर उसके बाद हम इस तीनों टॉपिक पे, तीनों जो बाउंड्री कंडीशन फॉर इनफिनाइट फॉर इंसुलेटेड फॉर टिप, इस सारे टॉपिक पे हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे ताकि जो भी हमारा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो डिस्टर्ब हो वो क्लियर हो जाए, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।